नेक्स्ट 12 की मॉडलिंग, ठीक है, नेक्स्ट कैड का पोर्शन कर रहे हैं और आज हमने बनानी है ये वाली ड्राइंग्स, ठीक है। ये दोनों ड्राइंगें बनाते हैं तो देखेंगे क्या क्या कमांड्स यूज़ होगी, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। वीडियो देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि साथ साथ कंप्यूटर खोल लो और जैसे जैसे मैं ये बना रहा हूँ वैसे वैसे बना, ठीक है कि नहीं। और अगर ये PDF फाइल चाहिए तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप करोगे, इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप करोगे तो मैं PDF फाइल सेंड कर दूँगा, ठीक है। चैनल को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और जो भी अननेक्स सीखना चाहता है उसके साथ वीडियो शेयर करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्सट्रूड कमांड लेंगे। कई लोग ना स्केच लेते हैं फिर एक्सट्रूड लेते हैं, सीधा ही एक्सट्रूड कमांड लेनी है और प्लेन सेलेक्ट करना है ये हमारे को किस प्लेन पे काम करना है। मैं कहा जी मेरे को इस प्लेन पे काम, ठीक है। अब हमारे को सारी डायमेंशन कहाँ से दे रखी है, ये सेंटर से दे रखी है, चाहे ये रेक्टेंगल से बना लो चाहे सर्कल से बना लो। तो हम क्या करते हैं, दो सर्कल बना लेते हैं, एक सर्कल दूसरा सर्कल, ठीक है। अंदर वाले का रेडियस दे रखा है हमारे को 15, इसके ऊपर डबल क्लिक करो तो बाय डिफॉल्ट ये आता है डायमीटर। हमारे को चाहिए रेडियस तो यहाँ पे रेडियस कर दो 15, ठीक है, ये 15 हो गया। एक हम लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे। अब देखो ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट ऑन कर देंगे तो यहाँ पे क्वाड्रेंट आ जाए, एक क्वाड्रेंट नजर आ रहा। अगर मैं ऐसे ही लाइन लगाता हूँ तो हमारे पास वो पॉइंट नहीं आता, अगर क्वाड्रेंट ऑन कर देंगे तो क्वाड्रेंट वाला पॉइंट आने लग जाएगा। लाइन ले लो फिर आएगा, क्वाड्रेंट बंद हो गया ना, क्लिक कर लो क्वाड्रेंट पे और यहाँ पे भी क्वाड्रेंट पे क्लिक कर लो। अगर लाइन टेढ़ी हो जाती है कोई बात नहीं है, इसको सिलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। अभी ये लाइन जो है ऊपर नीचे हो पा रही है तो इसको सिलेक्ट करो और ये वेक्टर को सिलेक्ट करो कोलिनियर, ताकि वो एक दूसरे के ऊपर आ जाए। फालतू का ट्रिम कर सकते हैं सर, समटाइम क्लिक कर दो ना, ट्रिम कर दे दो हां, और पूरा ही हो जाएगा, ये बाइसेक नहीं होगा इसका, फिर ये पॉइंट टच नहीं हो रहा। आठ डायमेंशन दे दो, इतो दी इथे तक, हां जी 8 ठीक हो गया, फालतू का ट्रिम कर देंगे। ठीक हो गया, अब हमारे को लगानी है लाइन एक ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, ठीक है। लाइन टेढ़ी लग जाए तो कोई बात नहीं है, उसको सेलेक्ट करो वर्टिकल कर दो, ठीक है। फालतू का ट्रिम कर देंगे, अब इन दोनों के बीच में गैप है 9 का, ये लाइन सेलेक्ट करो, ये लाइन सेलेक्ट करो 9, ठीक है। और अभी ये सेंटर में नहीं आई, हमारे को एक और डायमेंशन देनी पड़ेगी, ये वाली एक्सिस से ये वाली, ये देंगे हम 4.5, ऐसे भी लिख सकते हैं हम 9/2, सेंटर में आ गए। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है, दोनों लाइनों को सेलेक्ट करो इक्वल कर दो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को कोलिनियर कर दो, एक दूसरे के सीध में चली गई, ये है 9 तो 9 कर दो, ये है 33 तो ये 33 कर दो। जो डायमेंशन ड्राइंग में दिया है वही देनी है, अपना दिमाग नहीं लगाना। अब
अब 40 वाली डिमेंशन दे रखी है तो ये 40 का ठीक है। अब मैं एक नई चीज करने वाला हूँ। अब ये मैंने ट्रिम नहीं किया और मैं ऐसे ही फिनिश करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रिम करना भूल जाते हैं कोई चीज, तो ये बड़ा समझदार है। देखो उसने अपने आप उसको हटा दिया। तो एनएक्स की खासियत ही ये है कि इसके पास इतनी अकल है कि मैं उसको बाउंड्री उसने अपने आप ले ली। ठीक है, यहाँ से कर देंगे सिमेट्रिक वैल्यू और टोटल हमारे को दे रखा है 52 डिवाइड बाय, तो ये टोटल 52 हो जाएगा। ओके कर दो। इससे फायदा क्या हुआ सिमेट्रिक करने से, ये देखो ये प्लेन मेरा सेंटर में आ गया। ठीक है, फिर से एक्सट्रूड कमांड ली, सेंटर वाला प्लेन सेलेक्ट किया, सीधा हो गया। नहीं कुछ नहीं लेने की जरूरत है, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास प्रोजेक्ट कर। ठीक है, इस कर्व को, इस कर्व को, इस कर्व को अप्लाई करेंगे तो जिस प्लेन पे हम काम कर रहे हैं वहाँ अपने आप ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। ठीक, ओरिएंट टू स्केच से सीधा हो जाएगा। ठीक, और लाइन कमांड लेके इसको और इसको मिला दो, कोई डायमेंशन नहीं हमारे को देनी पड़ी। ठीक है, हाँ जी, सिमेट्रिक कर दो। चार यूनाइट, एक्सट्रूड, प्लेन सेलेक्ट, प्रोजेक्ट कर, इसको 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 अप्लाई और लाइन लेके फिनिश करेंगे और सिमेट्रिक करेंगे। तो ये जो ड्राइंग थी हमारी, ठीक है, कभी भी किसी भी डायमेंशन को डबल क्लिक करके मॉडिफाई किया जा सकता। ठीक, अगर इसका स्केच मॉडिफाई करना है तो डबल क्लिक करो, यहाँ पे स्केच की ऑप्शन है, स्केच में जाओ तो स्केच खुल जाएगा। फिनिश कर देंगे तो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अब ये वाली ड्राइंग बनाते हैं। नई फाइल खोल लो। अब इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक ये बाउंड्री दी हुई, ओके करते हैं, मॉडल ले लिया, फाइल का नाम बता दिया, उसका लोकेशन बता दी हुई कहाँ पे सेव करना है। अब ये बॉर्डर बनाना है हमारे, तो दो सर्कल दे रखे हैं 120 पे, एक रेक्टेंगल दे रखा है यहाँ पे 60। सीधा पहले एक्सट्रूड कमांड लेंगे, प्लेन सेलेक्ट करेंगे, एक लाइन लगाएंगे कहीं पे भी लगा दो, फिर इस पॉइंट को सेलेक्ट करना स्केच ओरिजिन और ये लाइन को सेलेक्ट करना, कमांड का नाम है मिड पॉइंट, ये सेंटर में आ गए। ठीक है, फिर लाइन को सेलेक्ट करो, वेक्टर को सेलेक्ट करो, गोली में उसके ऊपर आ, डबल क्लिक करो, 60 हो गए। ठीक हो गया, अब दो सर्कल बना लेते हैं, एक सर्कल यहाँ बना लो, एक सर्कल यहाँ, ये मिरर कर देंगे। चलो ठीक है, मिरर भी सीख जाएंगे इस चक्कर में। अब हमारे पास ये डायमेंशन, ये है 25, ये है 120, तो 120 वाली डायमेंशन पहले दे देते हैं,
ये वाला सेंटर और ये वाला वैन, ये हो गया 60। 60 तो जो हमारे को ये 25 और 25 50 डायमेंशन दे रखी है वो दे रखी है यहाँ से इस सर्कल के इधर वाले पर, ये दे रखी है 50। इसको डबल क्लिक करके 50 कर देते हैं। इसका रेडियस दे रखा है हमारे को 10 का, तो यहाँ पे करो रेडियस और कर दो 10। ठीक हो गया। अब एक लाइन लगाएंगे यहाँ से इसके टेंजेंट, अब टेंजेंट नहीं हुई तो सर्कल पे क्लिक करो, लाइन पे क्लिक करो और टेंजेंट कर दो, फालतू का ट्रिम कर देंगे। यहाँ से क्वाड्रेंट मेरा ऑन है, क्वाड्रेंट लेके यहाँ से एक लाइन लगाएंगे, एक लाइन ऐसे लगाएंगे। अभी लाइन टेढ़ी लग गई, कोई बात नहीं, इसको सेलेक्ट करो सीधा कर लो। सेंटर से हमारे को 50 का डिस्टेंस दे रखा है इस वेक्टर से, इस 25 देंगे तो अपने आप जब मिरर करेंगे तो वो 50 हो जाएगा। ये वाली डायमेंशन हमारे को दे रखी है 20 की, तो 20 दे दो। फिर से इसको बंद करेंगे और नीचे आएंगे और ऐसे आएंगे। अब ये हमारे को डायमेंशन दे रखी है 5, इसको कर दो 5। अब इसका ये वाला पॉइंट और ये वेक्टर एक सीध में होने चाहिए, तो सीध में कर दो। उसका एंड पॉइंट और उसका वेक्टर, ठीक है। ये वाली डायमेंशन हमारे को दे रखी है 10, 10 कर दो। फालतू का ट्रिम कर सकते हैं, ये ट्रिम कर दो। एक छोटा सर्कल और दे रखा है तो छोटा सर्कल और मार लो। इसका डायमीटर है 12 का, 12 कर दे। सेंटर में एक लाइन लगा दी, वो डायमेंशन इंडोमेंशन देने लग गया। इसको सेलेक्ट करो, इसको कर दो रैप। अब हम मिरर करना चाहते हैं, यहाँ पे हमारे पास कमांड होती है मिरर कर। किसको मिरर करना है? मैंने कहा ये सारे को ही मिरर करना है। सेंटर लाइन कौन सी है? मैंने कहा जी ये सेंटर लाइन को हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, वो नीचे करना था। दोबारा से लेते हैं, मिरर करो, सारे को सेलेक्ट करो, सेंटर लाइन कौन सी है? अब इसमें जो है ये सेंटर लाइन नहीं चाहिए, तो शिफ्ट दबा के क्लिक करो, सेंटर लाइन में जाके फिर ये सेंटर। ओके, बन गई शिफ्ट, फिनिश कर दो, फिनिश कर। तो ये एक्सट्रूड होने लग जाएगा। कितना एक्सट्रूड करना है जी? यहाँ पे लिखा हुआ है 10, तो 10 कर देते। ओके हो गया। अब मुझे ये ऊपर वाला रेक्टेंगल बनाना है, तो एक्सट्रूड ले लेते हैं, प्लेन सेलेक्ट किया, रेक्टेंगल लो ये पॉइंट से। डायमेंशन है 25, तो डायमेंशन दे दो 25। ये आ रही है वैसे। अब ये पॉइंट छोड़ गया, कोई बात नहीं, इस पॉइंट पे क्लिक करो और कर्व पे क्लिक करो और यहाँ पे कर दो माइट ऑन कर्व, ठीक है, फिनिश करेंगे। टोटल इसको एक्सट्रूड करना 35, 10, 10 हम कर चुके हैं, 25।
अब इसमें एक रिब सी लगी हुई है यहाँ पे, तो एक्सट्रूड कमांड लो, सेंटर वाला प्लेन सेलेक्ट करो और लाइन लगा दो। डायमेंशन दे रखी है 40, तो ये वाली लाइन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 40। फिनिश कर देंगे, सिमेट्रिक कर देंगे। कितनी वैल्यू? ठीक हो गया। एक कट रह गया ये 15 का, फिर से एक्सट्रूड लो, प्लेन सेलेक्ट करो और सर्कल बना। इसकी डायमेंशन है 15, रेडियस 15। फिनिश करेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे, वैल्यू की जगह थ्रू ऑल, क्योंकि आर पार होल करना है, यहाँ पे कर दो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये दोनों हमने ड्राइंग में बनानी थी, एक ये और एक ये। ठीक है, दोनों ड्राइंगें बना के मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, ताकि पता लगे किस किस ने ड्राइंग बना ली। यहाँ पे एक व्यू में ऑप्शन होती है टू ग्रुप्स, तो हम दोनों ड्राइंगें एक साथ भी देख सकते हैं। ठीक, वर्किंग भी एक साथ कर सकते हैं? नहीं, इतना बढ़िया नहीं होगी वो, हो तो जाएगी पर अभी बड़े दिन लगेंगे उस चीज में। तो व्यू में जाके अगर सिंगल चाहिए तो सिंगल कर लो। ठीक, दो चाहिए तो दो। ठीक, ये दोनों हमारे ड्राइंग बन गए। ठीक है।